आगे जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब एक लाइक जरूर कर दें और खबर को पूरा आखिर तक देख लें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा, अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप। अपने 6 साल में 6 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की तैयारी। योगी सरकार ने इस वजह से किया फैसला। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। 15 लोग चल बसे। उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज का बड़ा बयान। सीमा हैदर मामले की गहनता से जांच कराए सरकार। इस प्रेम में कहीं कोई साजिश तो नहीं। फ्रांस में 26 राफेल लड़ाकू विमान, 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बी खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। महंगाई की मार, सस्ते दाम पर टमाटर अब बेचेगी सरकार। सिविल कोड लागू करे सरकार, मुसलमानों को होगा फायदा। आरिफ मोहम्मद खान ने फिर किया UCC का समर्थन। नरेंद्र मोदी से तब मिली थी जब वह MA में थे। डिग्री पर सवाल उठाने वालों को पत्रकार का जवाब। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, नहीं तो होगा 26/11 जैसा अंत की हमला। मुंबई पुलिस को धमकी भरा कॉल। अब चावल की बढ़ती कीमतों ने किया परेशान। भारत सरकार ने बनाया प्लान, दुनिया पर पड़ेगा असर। ज्ञानवापी हिंदू पक्ष की अर्जी स्वीकार। सर्वे मामले में अगली सुनवाई अब 25 को। उत्तर प्रदेश 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कुमार विश्वास, लोकप्रिय कवि ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत। सेवा केंद्रों को लेकर आया बड़ा फैसला। UP के इस विभाग में बदला प्रमोशन का नियम। इस श्रेणी के कोटा भी बढ़ाया गया, जानिए किसे होगा फायदा। लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले ही कर रहे नुकसान। बंगाल बवाल को लेकर सीएम योगी का ममता बनर्जी पर हमला। UP में जल्द मिलने लगेंगे सिर्फ एक पन्ने वाला रजिस्ट्री पेपर। चुकानी होगी इतनी फीस, जाने डिटेल में। उत्तर प्रदेश के बागपत में टूटा अलीपुर बांध, हजारों बीघा फसल जलमग्न। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। UP के शहर में 17 और 24 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल और कोचिंग, जाने वजह। पाकिस्तान से भारत आए सीमा किसकी, सचिन या हैदर। देवबंद के उलेमा ने दिया बड़ा बयान। आवास विकास के जमीन और फ्लैट लेने वालों को राहत, दाखिल खारिज का शुल्क घटाया। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। UP में ट्रेनों पर पड़ेगा बड़ा असर। वंदे भारत समेत 31 ट्रेनें रद्द। UP भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी। जिलों के अध्यक्ष भी बदलेंगे, तारीख भी हो गई तय। 3 नेपालियों के पास से मिले सोने और हीरे के जेवरात। बैग के अंदर रखे कैश को देखकर SSB जवानों के भी उड़े होश। शिक्षा आयोग बनाएगी UP सरकार, सीएम योगी बोले, आज उत्तर प्रदेश में नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। अतीक अशरफ कांड में चार्जशीट फाइल, 3 आरोपियों को कोर्ट ने किया तलब। भारी बरसात से जमकर हो रही आफत, दिल्ली देहरादून रोडवेज बसों का रूट डायवर्जन, हाईवे बंद। आजम खान को एक और झटका, वाइस रेडी की सुरक्षा खत्म हो गई। SP ने वापस बुलाए कनर। आलोक के पास है मेरी प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें, ज्योति मौर्य ने तोड़ी चुप्पी, बोली कर देगा वायरल। तो चलिए एक एक करके जो बड़ी खबरें हैं उनको जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, खबर को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा लें। सीएम योगी ने कहा, अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप। अपने 6 साल में 6 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि अपने नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को नौकरियों में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है। जो सरकारें प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोकती थी, जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। हमारी सरकार ने व्यवस्था बना दी है कि चयन की प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव न होने पाए। विगत 6 वर्ष में हमने 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रहे। आज उत्तर प्रदेश की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या दोस्तों आप भी सीएम योगी की इस बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। साक्षी महाराज का बड़ा बयान, सीमा हैदर मामले की गहनता से जांच कराए सरकार। इस प्रेम में कहीं कोई साजिश तो नहीं। जी हां, पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर को लेकर सांसद डॉक्टर हरि साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से मामले की गहनता से जांच कराने का अनुरोध किया है। गदनखेड़ा स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि सीमा हैदर की स्थिति कई आशंकाओं को जन्म देती है। वह 4 बच्चों की मां है, बलूच की रहने वाली है।
पांचवी कक्षा तक पढ़ी हैं, लेकिन फर्राटेदार हिंदी व अंग्रेजी बोलती हैं। अच्छे अच्छे नेता जो जवाब नहीं दे सकते, वह ऐसे जवाब पत्रकारों को आसानी से दे रही हैं। कहा कि कई बार शक होता है कि इस प्रेम में कहीं कोई साजिश तो नहीं। सांसद ने कहा कि जांच एजेंसियों की इस मामले में अच्छी तरह से जांच करने की अपेक्षा है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां देखें कि यह सच्चा प्यार है या फिर कुछ और है। महंगाई की मार, सस्ते दाम पर टमाटर बेचेगी सरकार। जी हाँ, टमाटर की आसमान छूती कीमत से राहत दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कम दरों पर टमाटर बेचने का फैसला किया है। बता दें कि इस बीच खुदरा महंगाई दर 3 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने तय किया है कि जल्द ही टमाटर को सस्ते दामों में बेचा जाएगा। नरेंद्र मोदी से तब मिली थी जब वो एमए में थी, डिग्री पर सवाल उठाने वालों को पत्रकार का जवाब। जी हां, बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के एमए की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई दाखिल की है। यही नहीं, यह मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसमें उसने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री दिखाने को कहा गया था। यह याचिका गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर की थी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर अदालत ने 25,000 का फाइन भी ठोका था। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वालों को वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है। दरअसल दशकों का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाली शीला भट्ट ने एनएनआई से बातचीत में कहा, नरेंद्र मोदी से पहली बार मैं 1981 में तब मिली थी जब वह एमए पार्ट टू में थी। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, नहीं तो होगा 26/11 जैसा आतंकी हमला, मुंबई पुलिस को धमकी भरा कॉल। दरअसल एक अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को आज फोन कर 26/11 जैसा आतंकी हमले करने की धमकी दी। पुलिस ने यह जानकारी दे दी है। वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें फोन करने वालों ने पुलिस को धमकी दी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी तो 26/11 जैसा आतंकवादी अमलों के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है, आगे की जांच चल रही है। इस महीने की शुरुआत में नोएडा पुलिस ने भी सीमा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और यहां ग्रेटर नोएडा में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना उपनाम भी हटा दिया। अब चावल की बढ़ती कीमतों से परेशान, भारत सरकार ने बनाया प्लान, दुनिया पर पड़ेगा असर। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत अब अपने ही यहां बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। दरअसल स्थानीय स्तर पर बढ़ रही चावल की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार अधिकांश किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अधिकांश किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए भारत सरकार किस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जो पहले से ही बेहद परेशान करने वाला मौसमी पैटर्न यानी अल नीनो से जूझ रही है, अगर भारत चावल के निर्यात पर बैन लगाता है तो इससे पूरी दुनिया में कीमतों में उछाल आएगी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की अर्जी स्वीकार, सर्वे मामले में अगली सुनवाई अब 25 को। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी परिसर का एसआई से सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश व दीवानी मुकदमे की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई अब 25 जुलाई को करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने स्वयंभू आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी की ओर से सुनवाई टालने की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत, सेवा केंद्रों को लेकर आया यह फैसला। जिया यूपी में पासपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पासपोर्ट समय पर मिल जाए, इसके लिए पासपोर्ट दफ्तर इस शनिवार की छुट्टी के दिन भी खुलेंगे। केंद्रीय कार्यालय में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है, लेकिन पासपोर्ट आवेदन काफी अधिक आ रहे हैं। लोगों को समय पर पासपोर्ट मुहैया कराने के लिए इस शनिवार को दफ्तर खोलने का निर्णय लिया गया है। पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलेंगे। वहीं लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी के अलावा 14 जिलों के केंद्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द मिलने लगेगा सिर्फ एक पन्ने वाला रजिस्ट्री पेपर, चुकानी होगी इतनी फीस। जी हां, बता दें कि लोगों को दस्तावेजों में दर्जनों पन्नों की रजिस्ट्री लगाने के झंझट से जल्द ही निजात मिलेगी। अब एक पन्ने का रजिस्ट्री प्रमाण पत्र मिलेगा, इसके लिए सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं प्रमाण पत्र में क्रेता विक्रेता का नाम और संपत्ति की जानकारी समेत पूरा ब्यौरा होगा। 3 दिन में प्रमाण पत्र रजिस्ट्री कार्यालय से मिलेगा।
यूपी के शहर में 17 और 24 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल और कोचिंग जाने बचा। जी हां, सावन का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में कांवड़ियों का निकलना भी जारी है। सोमवार को विशेष तौर पर कांवड़ियों की तादाद ज्यादा होती है, इस वजह से रास्ते में पड़ने वाले स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। बरेली में सावन के दूसरे सोमवार 17 जुलाई और तीसरे सोमवार 24 जुलाई को भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते डीएम ने शहर के सभी शिक्षण संस्थानों व दिल्ली रोड बदायूं रोड के 5 किलोमीटर की परिधि में संचालित सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, टेक्निकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित कर दिया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा किसकी सचिन या हैदर, देवबंद के उलेमा ने दिया बड़ा बयान। जी हां, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन के लव स्टोरी के चर्चे इन दिनों खूब हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्टोरी को लेकर उलेमा की राय में सीमा धर्म बदलते ही हैदर के निकाह से बाहर हो गई, निकाह टूट गया है, वह इस्लाम से खारिज हो गई। वहीं दूसरी ओर देवबंद के उलेमाओं ने भी सीमा और सचिन की शादी को लेकर बड़ी बात कही है। उलेमाओं का कहना है कि धर्म परिवर्तन करके हिंदू होते ही सीमा हैदर का निकाह टूट गया है, वह इस्लाम से खारिज हो गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। रोज के ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी जरूर दबाएं।